All the characters in this film are fictitious and bear no resemblance to any communities, person living or dead. Any resemblance, if any, is purely coincidental. इस फिल्म के पात्र घटनाएं और कथा काल्पनिक हैं तथा किसी भी जात जीवित या मृत व्यक्ति से संबंधित नहीं है और यदि हैं तो वो काल्पनिक हैं। अजय पोंछ डालो आंसू, बहुत रो लिए हम दोनों, अब नहीं रोएंगे। मेरी समझ में सब चाले आ गई। मैं हर खिलाड़ी को मात दे सकता हूँ। अब मेरी नजर बादशाह पर है, क्योंकि जब बादशाह मरता है तब होता है गेम। Thank you.
सर कहो विक्रम, बहुत जल्दी आ गए। क्या करता साहब, आपका इंतजाम जो करना था। वेरी गुड। नादान ये समझता था कि दुनिया की समझ थी इसको, लेकिन इतना भी नहीं जानता था कि दुनिया एक शतरंज की बिसात है, जहां खिलाड़ी तो बहुत हैं, लेकिन जीतता सिर्फ वो है जो अपनी चाल से बादशाह को मात कर दे। ये बादशाह तो हो गया था, लेकिन बेवकूफ था। सामने से आने वाले तीर के लिए तो ढाल बना रखी थी, लेकिन पीठ खुली छोड़ दी थी, जबकि सबसे बड़ा खतरा पुश्त पर खड़े होने वाले से ही होता है। वहां सबसे भरोसे का आदमी खड़ा होना चाहिए। अब इस घर में ताला कभी नहीं लगेगा अजय। बहुत दिनों से इसके दरवाजे हमारे लिए बंद थे। आओ। Thank you.
many happy returns of the day. Thank you, Daddy. And give me a kiss. Good morning, Sonio. Good morning. Sorry, Vicky bhaiya. Happy birthday. Thank you, Ajay. Daddy, Vicky bhaiya ka birthday gift kaha hai? Vicky bhaiya ka birthday gift kidhar hai? Vicky bhaiya ka birthday gift kidhar hai? Vicky bhaiya ka birthday gift kidhar hai? विकी बेटे, ये गेम कैसी लगी? ब्यूटीफुल डैडी, ब्यूटीफुल. मैं कितने दिनों में ये खेलना सीख सकता हूँ? खेलना तो तुम एक दिन में भी सीख सकते हो, लेकिन खिलाड़ी बनने के लिए सालों लग सकते हैं. वो कैसे डैडी? वो ऐसे कि शतरंज का हर खिलाड़ी जानता है कि हर मोहरा कैसे चला जाता है, लेकिन शतरंज का हर खिलाड़ी ये नहीं जानता कि कौन सा मोहरा कब चलना चाहिए. ये पैदल है, ये एक घर सीधे चलता है और एक घर टेढ़े में मारता है. ये घोड़ा है, बड़ा बदमाश है ससुर. कभी भी पलटी खा सकता है. ये ढाई चलता है, अपने चारों तरफ ढाई चल सकता है, जैसे ठा ठा ठा. ये वजीर है. वजीर जिस तरफ चाहे चल सकता है, जिस तरफ. ये तो आसान है, अब मैं खेल सकता हूँ. नहीं नहीं बेटे, नहीं. अभी तुमने सामने वाले खिलाड़ी की चाल नहीं देखी कि वो कैसे और कौन सी चाल चल रहा है. शतरंज खेलने वाले की आंख सदा बादशाह पर रहती है. दुश्मन की फौज को काटते काटते बादशाह तक पहुंचना पड़ता है उसे मात देने के लिए, और जब बादशाह मरता है तब होती है ये. मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत बड़ा. हे भगवान, आपने पुलिस में रिपोर्ट की? कैसी बातें करती हो, ब्लैक का पैसा है, पुलिस के पास कैसे जाऊंगा? लेकिन अब क्या होगा? बर्बादी होगी. नहीं, शाम तक 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है. मन सुखाने का 3-4 बार फोन भी आ चुका है. मैं तो पहले ही कहती थी कि नाजायज धंधा गलत है. सुलभा, गरीबी से ज्यादा बुरी और कोई चीज नहीं है. मैंने अपने बच्चों के चेहरे पर मायूसी देखी है, मैंने देखी वो मायूसी. ला, मेरे पैसे ला, और अगर पैसे नहीं है तो ये बंगला खाली कर. मेरे जीते जी तुम इस बंगले पर कब्जा नहीं कर सकते, समझे? अजय, ये क्या कर रहे हो? ये काम तो नौकर कर देंगे. भैया, मैं तो मम्मी पापा के सूखे हुए खून के निशान मिटा रहा हूं, जो उस हादसे की याद दिला रहे हैं. भैया, एक बात कहूं? बोल. आप शादी कर लीजिए. शादी कर लो, अपने और तेरे बीच किसी और को आने दो, प्यार बांट लूं, यही चाहता है तू? नहीं भैया, मैं तो चाहता हूं कि इस घर में भाभी की पायल की आवाज गूंजे, आपके बेटे की किलकारियां सारे घर को संगीत से भर दें. बेटा, फिर तू कौन है मेरा? तू मेरा बेटा नहीं है,
तुझे बेटे जैसा प्यार नहीं दिया मैंने। भैया, इंसान का नाम बेटे जैसे भाई से नहीं, सिर्फ बेटे से चलता है। कौन सा नाम, क्या नाम था हमारा जब इस घर से बेसहारा निकले थे? क्या नाम था हमारा जब इस शहर की सड़कों पर अनाथ घूमते थे? क्या नाम था हमारा जब भूख और गरीबी हमारी परछाइयां बनी हुई थी? क्या दिया हमें हमारे नामों ने? हम दोनों ही एक दूसरे का नाम जानते थे। नहीं अजय, नाम सिर्फ एक पहचान है जो मिट जाती है मौत के साथ। भैया नहीं अजय, अब कभी प्यार बांटने की बात मत करना, कभी नहीं। भैया, भाई भाई, मेरे 200 रुपए पकड़ दे रहे। क्या तू 200 रुपए दे उस दिन के मेरे? मटका वटका लग गया क्या तेरा? अरे नहीं भाई, कहां तू मटके वटके की बात करता है। अरे वो आयाज नहीं है अपना टेमकर मोल्ले वाला, उसने दिया था। अरे तू मेरे 100 रुपए देना यार, कमाल है, मेरे है तो देगा नहीं क्या? हाँ कोई ऊंचा आइटम है बाप। पूजा करने का भी क्या स्टाइल है। वाह ए भाई, क्या गाड़ी है यार, एकदम चकास। ये कितने की होगी ये गाड़ी भाई? 15-20 लाख की। क्यों खरीदना है तुझे? नो प्रॉब्लम, 500 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा तो खरीद ले। और ऐसी गाड़ी में नंगा भी बैठो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों सारे कपड़े बेचकर ये गाड़ी खरीदेगा क्या? अरे छोड़ो यार, ये चमचमाती हुई लैला जब सड़क पर से निकलेगी तो लोग इसको देखेंगे या अंदर बैठे आदमी को देखेंगे? इस आदमी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा राजा? इस आदमी ने ऐसा काम किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसने भगवान के हाथ में अपनी तकदीर की किताब दी और बोला, हे भगवान, हर पन्ने पे माल ही माल लिख दे। तो भाई जब अपना तकदीर लिखा जा रहा था तो भगवान किधर था? अरे इस कार वाले का नसीब लिख रहा था, पता नहीं अपना भी टाइम आएगा कि नहीं आएगा। ये भाई अपना टाइम आएगा ना, ऐसा गाड़ी अपने पास भी होगा ना, बोलना भाई। हाँ रघु, क्यों नहीं होगी यार, भगवान ने अपने किसी ना किसी पन्ने पे तो माल लिखा होगा, इतना उदास क्यों होता है? अपन सब है ना साथ में। मैं तेरे से वादा करता हूं, एक दिन अपने पास ऐसी गाड़ी जरूर होगी। राणा। सर। इनमें से राजा कौन है? राजा शकल से पहचाना जाता है, पूछना नहीं पड़ता। असली राजा शकल से ही पहचाना जाता है, उसे बताना नहीं पड़ता। मेरा नाम इंस्पेक्टर पवार है, इतना तो समझ गए होंगे कि मैं इस इलाके का इंचार्ज बनकर आया हूं, लेकिन ये नहीं समझे होंगे कि मैं किस किस्म का पुलिस ऑफिसर हूं। मुझे सिर्फ एक बात से नफरत है, जिसे कानून की किताब चुर्म कहती है, और तुम जैसे लोग धंधा। ये तो हर इंस्पेक्टर के पहले दिन का भाषण है, कुछ नया बोलो साहब। मेरी वार्निंग को मजाक मत समझो, पवार से मजाक बहुत महंगा पड़ेगा। अगर अब इस इलाके में कालाबाजारी हुई तो तुम सबके चेहरे काले करके सारे शहर में घुमाऊंगा, समझे? बहुत सड़ान है ये इंस्पेक्टर तो, कड़क लगता है भाई, फटेगा क्या? सतीश, हर आदमी बिकता है, ये पवार भी बिकेगा, थोड़ा भाव बढ़ाना पड़ेगा। और ये पवार भी बिकेगा टिकट की तरह ब्लैक में, क्या? क्यों बड़ू? चलो अभी तुम लोग काम पे लग जाओ, चलो बालकनी 30 टॉल बेस, चलो चलो। हाउस फुल। ये मैडम लेना है क्या? हाँ, दो बालकनी की टिकट देना। नहीं अनीता, हाँ? ब्लैक में टिकट लेना कानूनी जुर्म है। ठीक है, आप जाइए मिस्टर। चल यार, फिर किसी दिन देख लेंगे। एक गरीब के पेट पे लात मार के क्या मिलेगा मैडम? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको फिल्म देखनी है और आपके पास टिकट नहीं है, थिएटर पे हाउसफुल का बोर्ड लगा है, और कमाल की बात तो ये है कि मेरे दो दोस्त आने वाले थे, वो भी नहीं आए, इसलिए मेरे पास ये दो एक्स्ट्रा टिकट है। ये आप दोनों। शुक्रिया, हमें आपसे टिकट नहीं चाहिए। दोस्त नहीं आया तो किसी और को दोस्त बनाकर टिकट दे दीजिए। वही तो करना चाहता था मगर आप। शट अप। क्या बहुत चल गया दिल पे जादू? हाँ यार, लगता तो कुछ ऐसा ही है। नो प्रॉब्लम भाई, अपुन अभी पता लगा के आते ना, फिर बिल्डिंग के नीचे गाएंगे अपुन,
तुझसे मिलने को दिल करता है, ओ भाभी रे भाभी मिलने को दिल करता है। बड़ी हसमुखबाई, ये चौधरी का ठिकाना है या यमराज का दफ्तर? क्या बोला? बड़ी हम जरा कमजोर दिल का आदमी है नी। ठीक है देखते काम कराना है ना, तो चुपचाप चल चल। बड़ी यमराज का को होता है नी, ये तो बच्चा ये गोली हम बड़ी दफा देखा है नी। राम राम चौधरी साहब। राम राम चौधरी सेठ। बोला का कष्ट है नचनिया साहब? वो क्या है चौधरी साहब, नचनी सेठ का प्लॉट खाली कराना है, कुछ किराएदार अकड़ रहे हैं और नचनी सेठ अदालत में जाना नहीं चाहते। अरे मारिए गोली ससुरी अदालत को, 6 साल तक कुत्ते की तरह मारे फिरिएगा। पर इसीलिए तो अदालत छोड़कर आया है इधर, पर तुम्हारी खुशामद में रहेगा तो ही तो प्लॉट खाली होगा नी, एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाएगा चौधरी साहब। बस मुझे प्रोटेक्शन दे दो। तो प्रोटेक्शन चाहिए मतलब दूसरी पार्टी को टेंशन देना पड़ेगा। ससुरी हर चीज बहुत महंगी है, टेंशनवा भी बहुत महंगा है दद्दू के देश में। बोलो कितना पैसा खर्चा होगा? 15 पेटी। 15 लाख? अरे काहे को भी दखते हैं, डिफिकल्टी नहीं समझता है? पुलिस के कानों खुले हैं, आप उसे मार काट चल रहा है, अखबार नहीं ना पढ़ते हैं? कितने लोग शहर में ठुस हो गए। हसमुख उठाओ ससुरे दरिद्र को। अरे ऐसा क्यों बोलता है ऐसे, इतना बड़ा रकम मुंह से निकलने में टाइम तो लगता है। मुझे मंजूर है, ये बैग में 5 पेटी रकम पड़ा है, बाकी का समझ लीजिए आपका प्लॉट खाली होगा। तो अब ये बताइए कि बिल्डिंग हवा कैसे बनाइएगा? मरी झूले लाल के साड़े से बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया है। बहुत ना समझ हैं आप, जमाना बहुत बदल गया है नचनिया साहब। मरी 10-5 रुपया अलग से ले लो, मगर नचनी बोलो नचनी। ज्यादा बोले का नहीं। ठीक है अब मैं जाता हूँ, थोड़ा कमजोर दिल का आदमी हूँ, जरा ख्याल रखना और फोन जरा जल्दी कर देना। और ये पिलटवा ठुकवा दीजिए हर दरवाजे पे, एक और बिल्डिंग में ही बचनी चाहिए, कौनो ऑब्जेक्शन करे तो तोड़ दीजिए हाथ पैर ससुर के, समझ गए ना? जी चौधरी साहब। चलते हैं थोड़ी नींद मार लेंगे, आराम ही नहीं ना मिलता है दद्दू के देश में। चलो ये लो। लो भाई हर दरवाजे पे लगा दो। ए? चल फुट यहाँ से। चल ए सारे भागियों से, नहीं तो टांग तोड़ दूंगा। हट। ये बोर्ड किसका है? चल के देखूं क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है नचानी? मिस्टर नचानी इज्जत से बात कीजिए, अब ये हमारे पार्टनर है। लेकिन ये जगह तो चौधरी साहब के नाम पर है। अरे हसमुख भाई हम छड़ा बिजनेसमैन आदमी, अरे बिजनेसमैन और दौलत का गुड़ और मक्खी जैसा संबंध होता है नी, तो जहाँ 2 पैसे जाती मिलेंगे हम तो उधर ही जाएगा ना बड़ी साई। अच्छा विक्रम भाई अब ये प्रॉपर्टी हम तुम्हारे हवाले करता है और अब हम चलता है। मिस्टर हसमुख अपने मालिक से जाकर कह दो कि फिर कभी गलती से भी इधर नजर न डालें, अब यहाँ हमारे नाम का बोर्ड लग चुका है। जेम से पूरा ट्राई किया, ये कुछ नहीं बोला। आजाद कर दो। लेकिन भाई इसने अभी तक ये नहीं बताया कि चौधरी ने हमारा माल कहां रखा है। गूंगे तोते पिंजरे में नहीं रखे जाते, आसमान में छोड़ दिए जाते। माल तो अजय खोद निकालेगा, उस चौधरी की कब्र से भी।
वाह, बहुत बढ़िया मेरे मिट्टी का सेठ। अजय ऐसे माल निकाल कर ले गया जैसे यमराज प्राण निकाल कर ले जाते हैं। और तुमको खबर नहीं ना हुई, वहां बैठे गैया चरा रहे थे ना। अब देखो तुम सबको बदिया बना के छोड़ेगा ये चौधरी। सुन लिए हसमुख, 24 घंटा में तू ही ठुसकारी मार दिए वो ससुर विक्रम हमका। कौन चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता है, खादी नहीं बर्दाश्त कर सके दद्दू के देश में। मिल जला दिए, रात को किशोर टपका दिए, माल उड़ा ले गए। अब कौनू एक्शन लेना ही पड़ेगा। कर देते हैं ससुर विक्रम को ठुस। नहीं नहीं चौधरी साहब, आज करोड़ों की प्रॉपर्टी का फैसला है। अगर विक्रम को कुछ हो गया तो जज भी अपने खिलाफ हो जाएगा। अरे उस जजवा को भी ठुस कर देंगे। कौन सा अमृत पीकर उतरा है ससुर? देखो चौधरी साहब, गोली का काम है जान लेना, सो अदालत के फैसले के बाद भी ले सकते हैं। बहुत अकल की बात की हो हंसमुख। ये ससुर चौधरी का खोपड़ी जान चले तान उल्टी। पर अजय का कार्यक्रम तो करना ही पड़ेगा। अजय खत्म तो समझो विक्रम खत्म। भैया चालबाजी तो बहुत जरूरी है दत्तू के देश में। ओ विक्रम पाओ किस तो ठीक है, लेकिन कौन है ये? अरे तुम इन्हें नहीं जानती? ये विक्रम साहब हैं। कौन विक्रम? विक्रम बाबू महाशक्तिमान। कहो कैसे हो? लगता है अकल के साथ साथ तुम्हारी नजर भी कमजोर हो गई है चौधरी। देख नहीं रहे हो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। अरे काहे ना हो गए भैया, दूसरे का माल पचा पचा कर फुटबॉल की तरह फूल गए हो ना दद्दू के दस में। एक दिन तो का पंक्चर करके छोड़ी। एक बात याद रखना, ई अदालत प्रॉपर्टी का फैसला करी और तुहार जिंदगी का फैसला करी ई चौधरी बिलस्टर सिंह। हाथी जब गुजरता है तो कुत्ते भौंका ही करते हैं, सुना होगा तुमने? हम सब सुन रखे हैं भैया। तो भौंकना बंद करो और हमारी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम आज तक जिंदा हो तो वो सिर्फ इसलिए कि हमें अपनी इज्जत का ख्याल है। दुनिया ये नहीं कहेगी कि चींटी खुद ब खुद हाथी के पैर के नीचे आ गई, बल्कि दुनिया ये कहेगी कि हाथी ने बेचारी चींटी को कुचल दिया, वरना चूंटी की तरह कुचल डालते तुम्हें अपने जूते के नीचे जब चाहते। बहुत घमंड है अपने जूता पे। अरे तुहार जूता की कील बन जाइए चौधरी और जिंदगी भर चुपता रहे ससुर के। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हेलो मिस, मेरा नाम राजा, आपका नाम? अजनबियों से जान पहचान बढ़ाने का मुझे शौक नहीं है। देखिए अजनबी तो लोग पहली मुलाकात से पहले होते हैं और हमारी तो ये दूसरी मुलाकात है। रास्ते चलते हजारों लोगों का आमना सामना होता है, वो जान पहचान वाले तो नहीं हो जाते? लेकिन नजर तो हजारों में से सिर्फ एक ही पर ठहरती है। एक्सक्यूज मी, मेरे पास वक्त नहीं है, आई हैव टू गो। कमाल है, एक वकील के पास अपने क्लाइंट के लिए वक्त नहीं है। क्या मतलब? आप मेरे पास केस लेकर आए हैं? जी हाँ, बस आप केस सुन लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें अदालत तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केस आप ही सॉल्व कर देंगे। आपने अभी तक बताया नहीं कि आप किस मामले में मेरी सलाह लेना चाहते हैं। वो दिल के मामले में? जी मैं समझी नहीं। अजीब अजी, यही तो प्रॉब्लम है, प्रेम कहानी किसी के समझ में ही नहीं आती। लड़का कहता है मेरी आवाज सुनो, लड़की कहती है आवाज दे कहाँ है। अरे लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, दोनों के दिलों में कयामत से कयामत तक सिर्फ लव 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 है।
ये लड़का लड़की कौन है? लड़का नटवर लाल है, डिस्को डांसर है, हिम्मत वाला है, जिगर वाला है, जिम्मेदार है, इज्जतदार है। लड़की का नाम चांदनी है, थोड़ी सी मनचली है, कश्मीर की कली है, सीता और गीता की दोस्त है, बाबे की पड़ोसन है, नूरी की सहेली है और प्रेम नगर में रहती है। आपने केस तो बताया नहीं, उनकी समस्या क्या है? समस्या? अजी समस्या ना पूछिए, लड़की का बाप थानेदार है, दोनों के संबंध के खिलाफ है, इसलिए बंदिश लगाकर लड़की को दीवार के पीछे दौलत की जंजीर में कैद कर लिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। लड़की कहती है मैंने प्यार किया, बाप कहता है लड़का बदतमीज है, आवारा है, 420 है, पॉकेट मार है, लुटेरा है, न जाने कितनी बार पुलिस पब्लिक ने उसे घेरा है, मरते दम तक वो इंसानियत का दुश्मन बना रहेगा। बाप कहता है बेटी अगर तू उसके प्यार में पड़ी पागी हो गई, रफू चक्कर हो गई, फिर भी सनम बेवफा निकलेगा। केस स्ट्रांग है। अच्छा तो लड़की क्या कहती है? वो बेचारी लड़की कहती है कि वो मेरा मुकद्दर का सिकंदर है, शहंशाह है, गाइड है, जीवन साथी है। बाप कहता है ना बेटी ना, वो वीरू दादा का इलाका है, बाप की दुनिया है, तेरे लिए पराया घर है, तू मासूम है, कॉलेज गर्ल है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले तू, अगर तूने उस शराबी नमक हराम लावारिस से लव मैरिज की तो मैं उसे हिरासत में लेकर हवालात में डालकर जिंदा जला दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। ये तो जुल्म है, आज हालात बदल चुके हैं, लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक है, उसकी मर्जी के खिलाफ बाप भी उसे घर में कैदी बनाकर नहीं रख सकता। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ जी। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, पूरब और पश्चिम। मेरी मनोकामना है कि बेचारा बेचारी का घर द्वार बस जाए, अपना घर अपने बच्चे हो, भले एक छोटा सा घरौंदा हो लेकिन जमाना कहे घर हो तो ऐसा। तो लड़का हिम्मत से काम क्यों नहीं लेता? लड़की अगर बालिग है तो लेकर फरार हो जाए, अदालत में शादी कर ले। वैसे लड़का तो चाहता है कि नए जमाने के सारे दस्तूर तोड़कर ससुराल पर प्रकोप बनकर टूट पड़े, मगर मजबूर है, प्रतिज्ञाबद्ध है, वैसे तो मर्द है, जादूगर है, बस यूं कहिए कि तूफान है, आंखें कि नफरत के शोले बरसाती है, गंगा जमुना सरस्वती की कसम खाकर कहता है कि जमाने को दिखाना है कि क्रोधी कितना खतरनाक होता है, बस हमसे ना टकराना, हमें प्रेम रोग लगा है। अब आप ही बताइए, दो प्रेमी करे तो क्या करें? बॉम्बे टू गोवा की बस में बैठकर पर्वत के उस पार जब बॉम्बे 405 माइल्स रह जाए तो उतर जाए, पर जंगल में मंगल करके प्रेम विवाह कर ले। क्यों, कैसी रही? आपने पूरा किस्सा फिल्मों के नामों से बनाकर सुनाया। लगता है आप बहुत फिल्में देखते हैं। जी देखता तो बहुत हूँ, मगर जिस दिन एक फिल्म रिलीज हो जाएगी ना, सुपर डुपर हिट हो जाएगी। कौन सी फिल्म? तेरी मेरी कहानी। चौपाटी जाके अरे बैठेंगे हम।
हम दोनों चौपाटी जाके एक दूसरे को गले से लगा के छोड़ो ना क्या करो सब लोग देख रहे हैं चालू बैठेंगे हम दोनों चौपाटी जाके एक दूसरे को गले से लगा के खुल के मोहब्बत की बातें करेंगे दुनिया की नजरों से हम ना डरेंगे ले जाऊंगा उसको पिक्चर दिखाने ले जाऊंगा उसको पिक्चर दिखाने चले आके ढाबे में खाना खिलाने ले जाऊंगा उसको पिक्चर दिखाने चले आके ढाबे में खाना खिलाने मैं एक दिन उससे शादी करूंगा सिंदूर से मांग उसकी भरूंगा राहों से मुश्किल की दीवार हट गई अशोक मैं विजय बोल रहा हूँ बहुत बिजी है तू क्या हाँ मैं तो बिजी हूँ लगता है तू बेकार हो गया वरना तू फोन कहाँ करता नौकरी छूट गई क्या हाँ यार एज यूजुअल बेईमानी करने को तैयार नहीं हुआ और शाबाश अब तेरे लिए कोई नई नौकरी ढूंढू क्या लेक्चर नहीं नौकरी नहीं तो मैं फोन रखता हूँ ठीक है जान मेरी एक चक्कर चला देता हूँ कल आ जाना 11 बजे ओके ओके बाय अशोक ठीक है भाई का पैसा मेरे खाते में लिख देना दूसरों का माल खाने की आदत नहीं है मुझे ना जरूरत क्यों इस 5 रुपए के नोट को दोस्ती के बीच की दीवार बनाता है यार देख अपने को दोस्तों की जरूरत है और दोस्तों के बीच में रहने की आदत भी देखो ना तो मुझे तुम्हारी आदत की परवाह है और ना ही तुम्हारी दोस्ती से दिलचस्पी ज्यादा बात करा तो तेरा मुंह तोड़ डालेगा शट अप जाने दे ठीक है भाई तू बड़े बाप का क्या बोलता है ए भाई तू क्यों इस साले को इतना भाव देता है जो सीधा मुंह बात भी नहीं कर सकता है तू जाने दे रघु तू नहीं समझेगा हम दोनों ने बचपन साथ गुजारा है और बचपन की मिठास ही जीवन की कड़वाहट को जहर नहीं बनने देता साला बचपन से ही ऐसा है एकदम अड़ियल
That's it. Position, please. Hold it. That's it. Look up. Chin down. Okay. Ashok. Hello, Vijay. Take a seat. Okay. Smile, please. Clicking. Yeah. That's it. Fine. Mega, you can change the dress now. Okay? Okay. अशोक कुछ कर यार, कुछ कर यार, कान नाक के फोटो किसी ईएनटी सर्जन को देना, कुछ कर ना यार। कम ऑन कमल, फुल फिगर लेता हूं ना यार। फुल को छोड़ यार, फिगर पे ध्यान दे, फिगर पे ध्यान दे, फिगर क्लाइंट की आंखों का मसाला होता है, कुछ कर यार। लिसन कमल, ये लड़की रिवीलिंग पोज नहीं देगी। अरे क्यों नहीं देगी, काफी कुछ तो है उसके पास रिवील करने के लिए। अरे ज्यादा का ऑफर कर, कुछ कर यार, कुछ कर। ठीक है, बात कर लेता हूँ। Is it all right, Ashok? Yeah, everything is all right. सिवाय मेरे समय के। मैंने अशोक पहले से क्लैरिफाई किया था ना, किया था या नहीं? तो फिर कुछ कर यार, फिर कुछ कर। कुछ प्रॉब्लम है कमल जी? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मेघा देवी, अगर आप ही कुछ दिखाएं, तो कुछ कर यार अशोक, तू कुछ कर। सॉरी अशोक, मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ कि जिस्म की नुमाइश नहीं करूंगी। अगर अपना जिस्म इतना ही प्यारा था तो घर पे रखती, यहाँ क्यों आई मॉडलिंग करने के लिए? मिस्टर कमल, तमीज से बात कीजिए। मेगा प्लीज। देखिए, मैं सिर्फ पैसों से बात करता हूँ। बोलिए, कितने पैसे लेंगे आप ये सब उतारने के लिए? तू देख, अगर लड़की के साथ आया तो चुपचाप खड़ा रहे, पैसे गिन। पहले तो सभी नखरे करती। यू ब्लडी बास्टर्ड, अपने आप को समझता क्या? छोड़ना विजय, छोड़ना विजय, छोड़ना यार। मेघा, प्लीज गो एंड चेंज योर ड्रेस। क्या यार अशोक, कैसे कुत्ते लोगों के लिए काम करता है तू? सुन विजय, अरे बात तो सुन। ठीक है, आज की बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुम सब लोगों को देख लूंगा। तो तुमने उसे सबक सिखा ही दिया। तो क्या करता, वो बार बार कह रहा था कुछ कर यार, कुछ कर यार, तो बस। अरे शक्ल देखने वाली थी उस मोटे की, लेकिन विजय वो धमकी दे रहा था कि तुम सबको देख लूंगा। अरे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। छोड़ो मेगा, जो मुसीबत का सामना करना जानते हैं वो धमकियों की परवाह नहीं करते। ग्रेट मेगा, तुमने जो श्रद्धा के बारे में बताया था सही था। ए, क्या उल्टा सीधा बोल दिया मेरे बारे में? अरे यार, मैंने सोचा तुमसे मिलाने से पहले तुम्हारा ब्यौरा तो दे दूं, पता नहीं विजय से मिलने के बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन हो। अरे क्यों डरा दिया बेचारे को, अच्छे लोगों से मिलकर तो खुशी होती है। अब हैप्पी फॉर यू मेगा, एक अच्छा दोस्त मिलना। अरे बस बस, ज्यादा देर बैठा रहा तो आप लोग मुझे आसमान पर चढ़ा देंगे। ओके मेघा, कल मिलते हैं, बाय। बाय विजय, कभी कभी घर पर भी आते रहना। ओके श्रद्धा, बाय बाय। बाय विजय, कोई नौकरी वोकरी मिली है? ऐसे ही घूम रहा है। चलो मेघा। मुंह क्यों छुपाता यार, मेरी बात सुन। तू जिंदगी भर घूमता रहेगा ना तो भी तेरे को कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी, दिमाग लग जाएगी तेरी डिग्री को। तुम अपनी फिक्र करो, अपनी जिंदगी को देखो, जिसे अपराध का घुन लगाकर खोखला कर लिया है तुमने। क्लर्क, अकाउंटेंट या छोटा मोटा ऑफिसर, यही है ना तेरी मंजिल? देख भाई, मंजिल पर पहुंचकर सफर खत्म हो जाता है, आदमी थक कर आराम करने लगता है। मैं जानता हूं तू मुझे बुरा समझता है, मगर मैं तुझे जिंदगी भर अपना दोस्त ही समझता रहूंगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं यार, मेरे पास आ जा, नए रास्ते खुलेंगे, आराम से गुजरेगी जेल की कोठरी में या वक्त से पहले शमशान में, यही होगी तुम्हारी मंजिल। तुम्हारे अंदर हालात से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए तुम अपनी जिंदगी से लड़ बैठे। मेरे अंदर ताकत भी है और जीतने का यकीन भी। छोड़ो विजय, क्यों बहस कर रहे हो? हर इंसान अपने ढंग से जिंदगी जीता है, अपना रास्ता चुनता है। चलो यहां से। एक और पढ़ा लिखा बेवकूफ, जानता ही नहीं कि हालात की तलवार गर्दन तक काट देती है। ये कागज के टुकड़े को ढाल समझकर घूमना है। डिग्री। विजय, क्या तालुक है तुम्हारा राजा से? क्यों पड़ा रहता है तुम्हारे पीछे?
बचपन का साथी है, बस बड़े होते होते हमारे रास्ते अलग हो गए। चलो बैलकनी 30 स्थल 15 बैलकनी 30 स्थल 15 15 30 15 30 ले जल्दी ले 15 15 स्थल 15 स्थल 15 ये जल्दी जल्दी निकल चल जल्दी अरे 15 स्थल 15 चल चला बैलकनी 30 बैलकनी 30 बैलकनी 30 चले चले बैलकनी 30 पैसा ला इधर 15 बैलकनी बैलकनी 30 स्थल 15 20 में देता क्या बैलकनी दो टिकट 20 में बैलकनी वेरी स्मार्ट बॉय माइकल तुम फिल्म देखने आए हो या ट्रेलर देखते नहीं थिएटर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद हो चुके हैं यानी हाउसफुल अच्छा भला इसी में है झोपड़ी में वीडियो देख लो नहीं है यार अपन के पास 40 रुपया साथ में गर्लफ्रेंड है देना यार अच्छा साथ में गर्लफ्रेंड भी है बेटा तुम गर्लफ्रेंड के साथ अंदर मजा लोगे और मैं बाहर खड़े खड़े नुकसान लूंगा बेटा जाओ चिड़ियाघर में जाओ चिड़िया देखो जाओ 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 आजकल के लड़कों के पास लड़कियां तो है लेकिन टिकट नहीं है और हमारे पास टिकटे हैं लड़कियां नहीं है लड़कियां भी मिल जाएंगी जब टिकटें बिक जाएंगी जगू यस यस स्टॉल वाला बालकनी बीस स्टॉल वाला बालकनी बीस बोलो भाई क्या बनता जल्दी बोलो टेम नहीं अब उनके पास हाँ पीछे करो का भाई स्टॉल बारह बालकनी बीस बोलो क्या मंगता है क्या मंगता है स्टॉल बारह बालकनी बीस बोलो भाई बोलो क्या मंगता है स्टॉल बारह बालकनी बीस स्टॉल बारह चले कितना मंगता है क्या मंगता है स्टॉल बारह बालकनी बीस बोल ए बोलने का नहीं इधर से आया ना उधर ही निकल ये राजा का एरिया है इतनी पड़ेगी ये 12-20 बोलना सब भूल जाएगा शाने मार खाने का है क्या हाँ एक मिनट में तू यहाँ से नहीं फूटा ये तेरा थोबड़ा है ना फोट डालूंगा समझे समझे यार लेकिन तू नहीं समझा पप्पू ये राजा का थिएटर है इधर ब्लैक अप्पू नहीं करता है क्या 30-15 30-15 नाम है अफजल धंधा है धमाल का यह नाम चलेगा कमाल का अबे उठ के औलाद राजा तेरे पैर काट के अप्पू राजा बना डालेगा मेरे टिकट मेरे को दे दे और राजा के आने से पहले फूट जा तो फिर तेरे राजा को एक मैसेज दे देना कागज तो है नहीं तेरे थोबड़े पे मैसेज देता हूं मैं राजा का इलाका हाँ चले फुट चल चल टिकट नहीं है चला टिकट खत्म हो गया बिड़ू अपन का टिकट कम पड़ गया भाई अरे वांदा नहीं वो सब इंतजाम हो जाएगा वो आज का जो माल है ना अपन को इनाम में मिलेगा वो कैसे भाई वो क्या है वहां अपन ने राजा के आदमी को इधर से वो हटा दिया ना भाई जान क्या सॉलिड खुश होएगा लो भाई अरे पुलिस स्टेशन में चमाता है तेरे को बर्फ के माफिक अवलदार
अफजल। ये क्या हुआ ये भाईजान? वो बोलो बोलो। अरे वो कौन सा हाथ है जो तुम्हारा चेहरा तक पहुंचा? खुदा कसम उसको काट कर फेंक देगा हम। भाई वो अचानक और हम लोग तो नहीं 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 नहीं, हमको ये मत बोलो कि कैसे हुआ, हमको ये बोलो कि कौन किया। राजा और उसका छोकरा लोग। राजा? भाई हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे, फिर पुलिस आ गई। ए खंजीर, मार खा गया है साला। पुलिस तो अब भी आएगा लेकिन राजा का लाश उठाने को आएगा। तुम जाओ जाओ साला खबीस। अरविंद। हाँ भाई। गाड़ी निकालो। वाह क्या शॉट मारा है। अरे तो गोटी है यार, साले बाल बाल बच गए ना तो बोटी बोटी कर डालते हम लोग। तकदीर उनकी अच्छी थी बच गए साले, वरना मैं तो पूरी तैयारी में था ना। इतने में होटल में से किसी ने आवाज दी, जग्गू दिया ना ये भाई का। और फिर हम लोग होटल में घुस गए और बाहर से किसी ने शटर बंद कर दिया। यार ऐसा पॉलिटिक्स चल रहा है, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूँ, जिस दिन मिल गए एक एक को नहीं छोड़ूंगा। ये पॉकेट मार गया है क्या? नहीं नहीं, वो चले सड़क ले चल। तुम लोग सटक लो इधर से, कमाल अपने आदमी और सामान के साथ आए। हाँ। शटर, अबे क्या कर रहे तू? शटर खोल रहा हूँ। अबे शटर छोड़, गटर में चलते चल। ये कमाल भी पागल है यार, इसको दूसरा कुछ काम नहीं क्या? चल चल गले में, गले में चल, गले में चल। माँ की गोद में छुपकर बच नहीं पाएगा तुम। हाँ बाहर निकलो। राजा को बोलना कि कमाल आया था, और उसको यह भी बोलना कि अगर मर्द का बच्चा है तो खुदकुशी ना करे। कमाल ने उसको मारने का कसम खाया है, समझा? काम आया।
क्या है? पैसा। वो तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मेरी मेज पर क्यों? उस दिन एरिया में आए थे तो वर्दी बहुत कड़क थी, आवाज में भी बहुत गरज थी। अरे चाय से ज्यादा केटली गर्म थी। चुप। इंटरेस्टिंग। फिर हर नया अफसर अपना भाव बताने के लिए शुरू शुरू में बड़ा कड़क बनता है, शक्ति प्रदर्शन करता है। इसलिए मैं ये पैसा ले आया ताकि तुम्हारी वर्दी की कांजी कुछ नरम हो जाए। यानी कि तुम रिश्वत देने आए हो? नाम कुछ भी हो, पैसा पैसा होता है पवार साहब। नहीं, इस पुलिस स्टेशन में नहीं चलेगा। यहाँ पुलिस वालों का ईमान है, कुत्ते नहीं जो रोटी का टुकड़ा देखकर तुम हिलाने लगेंगे। कुत्ते तो फिर भी रोटी का टुकड़ा सूंघ कर उठाते हैं पवार साहब, लेकिन पुलिस वाले तो पैसा देखते ही झपटते हैं, फिर चाहे वो पैसा एक बेचारी मजबूर वेश्या का ही कमाया हुआ क्यों ना हो। तुम्हारे सामने भी पड़ा हुआ है, उठा लो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन अपने साथ एक मामूली ब्लैक मार्केटर का नाम जोड़कर तुम्हें अहमियत नहीं देना चाहता। मैं भी यहां रिश्तेदारी जोड़ने नहीं आया हूं, अपने दोस्त सतीश की जमानत के लिए आया हूं, जो उसका कानूनी हक है। हवलदार सतीश को लो, ये गंदगी मेरी मेज से उठा लो। पवार साहब, बड़े बड़े आए और अपना फर्ज पूरा करने के चक्कर में न जाने कहां चले गए, लेकिन मैं वही हूं, वैसा ही हूं। सुनो राजा, मैं तुम्हारी औकात, अपनी ताकत और कानून की हद तीनों को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जब पवार किसी को अंदर करता है तो उसका बाहर की दुनिया से नाता टूट जाता है। माहौल बदल जाता होगा पवार साहब, पर ना दुनिया तो एक ही है, क्या अंदर और क्या बाहर। चलता हूं। क्या हुआ? बहुत मारा साले ने भाई, बहुत मारा। हवलदार, ये कैसे? ढोंग मत करो इंस्पेक्टर, मैंने अपने दोस्त की हालत भी देख ली और तुम्हारी ताकत भी। लेकिन बस, तुम तो सिर्फ बाहर की दुनिया से नाता खत्म करते हो इंस्पेक्टर, लेकिन मैं दुनिया से ही नाता खत्म कर देता हूं। रघु, सतीश को संभाल, तुम दुआ करना साहब, कल तक मेरा दोस्त अपने पैरों पर चलना चाहिए। अफजल को बोलना राजा से बचने का एक ही रास्ता है, वो खुद ही यह दुनिया छोड़ दे। राजा, क्या एक बार भी सोचा है कि जो वार तुम्हारे हाथ पर हुआ है वो अगर तुम्हारी गर्दन पर होता तो? देखो, वार जब होता है तो निशाना कहीं ना कहीं लगता ही है, कभी हाथ पे तो कभी गर्दन पे। अपने धंधे में यह सब कुछ होता ही रहता है। मारपीट, काला बाजारी, चोरी डकैती, ये सब धंधे नहीं, अपराध है राजा, जिनकी सजा जरूर मिलती है और कभी कभी तो बहुत ही भयानक। ये सब मैं जानता हूं श्रद्धा, मगर मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं। मैंने भी इज्जत से जीना चाहा, मेहनत से कमाकर खाना चाहा, लेकिन सारे रास्ते बंद, सिर्फ यही एक रास्ता खुला था जिस पर मजबूरी और बेकारी ने ढकेल दिया। तुम कच्ची मिट्टी तो नहीं थे राजा, जिसे कुम्हार ने चाक पर घुमाकर जैसा चाह ढाल दिया। पढ़े लिखे थे, अच्छे बुरे का फर्क समझ सकते थे। अब भी वक्त है राजा, जब जागो तब सवेरा होता है। अगर तुम्हें खुद से मोहब्बत नहीं है तो मुझसे प्यार का दावा कैसे कर सकते हो? श्रद्धा, कहीं तुम्हें डर तो नहीं है कि मैं तुम्हें? बहुत डर लगता है राजा, तुम तो मेरे लिए पड़ोसी से मांगे हुए जेवर की तरह हो, जिसके खो जाने का हर वक्त डर सा लगा रहता है।
मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो, आगाज भी तुम, अंजाम भी तुम। श्रद्धा, मुझसे शादी करोगी? फिर तो मैं तुम्हारा अपना ही हो जाऊंगा। आदि गणपति को हम दोनों शादी कर लेंगे श्रद्धा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। वाह, अब तमाशा राजा दिखाएगा और कमाल और उसका आदमी दूर खड़ा होकर तमाशा देखेगा। खलास, खत्म हो गया कमाल का हुकूमत, क्योंकि कमाल का सबके सब आदमी खंजीर हिंजड़ा है साला। आज राजा के पास आपसे ज्यादा ताकत है। राजा के पास हमारे से ज्यादा ताकत है? देखना चाहता है तुम कि कमाल खान के पास कितना ताकत है? ए, तुम पठान का बच्चा है या पोरस का हाथी है? अपना फौज को मारते हैं। जितना तुम लोगों का उम्र है उतना साल इस शहर में हम हुकूमत किया है। जानते हो उस शहर का पुलिस हमको एक खिताब दिया है, यमराज। समझते हैं यमराज का मतलब? मलकुल मौत। लेकिन अब हमारा सेहत हमको मजबूर किया है। बस चाचा बस, हम आपका शान का कसम खाता है कि हम आपको कभी मजबूर नहीं होने देगा। हम राजा का नाम और निशान मिटाएगा। हम आज के बाद आप कभी नहीं सुनेगा कि आपका बच्चा हार गया, आपका औलाद हार गया। देखो कमाल, जब पुलिस हम लोग का धंधा बंद करती है तो अफसोस तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि हमारा और पुलिस का चोली दामन का साथ है। लेकिन जब दुश्मन हम लोग के धंधे पर कब्जा करती है तो समझो हम लोग का टाइम खलास। कबर का तैयारी करो। कबर तो हम राजा का तैयार करेगा चाचा। हम देखता है वो कब तक चुप कर बैठता है। जिस दिन वो सामने आया ना तो आपका कसम हम उसको अखबार का सुर्खी बना देगा। हम बताता है शेर को उसका कचार से कैसे निकालने का। उसका बच्चा लोग को परेशान करो। जब बच्चा लोग चिल्लाएगा शेर कचार से निकलेगा। आपने ठीक कहा चाचा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसके बच्चे कहां घास चरते हैं। ये दुकानें आप लोगों की हैं? जी हाँ। बंद क्यों है? सारा मोहल्ला जानता है, आप खुद देख लीजिए साहब। रोज कुंडा मरेगा तो क्या रोज बाजार बंद होगा? जाइए अपनी अपनी दुकानें खोलिए, वरना एक एक को अंदर कर दूंगा। दुकानें नहीं खुलेगी। क्यों, किस खुशी में बंद रहेंगी दुकानें? खुशी में नहीं साहब, शोक में। रघु इन सबका दोस्त था। हाँ साहब, अपनों के मरने का सबको अफसोस होता है साहब। जिन्हें जीने का हक नहीं उनके मरने का अफसोस कैसा? बस साहब, अभी रघु की चिता की राख ठंडी नहीं हुई साहब। खाली पीली आग भड़काने की कोशिश मत करना, जला देती है आग। जाओ साहब जाओ। आराम ज्यादा बकवास बंद कर वरना जबान काट डालूंगा। बहुत बहुत हो गया है। तुम्हारे कानून में जितनी ताकत है सारी लगाकर इनमें से एक भी शटर उठाकर दिखाओ। कोई भी दुकान नहीं खोलेगी इंस्पेक्टर,
क्योंकि हर एक दुकानदार अच्छी तरह से जानता है कि उसे भी यहीं रहना है और मुझे भी। शटर उठेगा राजा, अगर तेरे डर से शटर गिरेगा तो मेरे हुक्म से शटर उठेगा, ये तू भी देखेगा और मैं भी देखूंगा। राजा ये सब हो जाकर दुकानें खुलवा दो। तो दुकान खोले दिन घर कर उसका ताला तोड़ दो। भाई भाई कमाल और अफसल का पता चल गया है, चंदन सिनेमा में पिक्चर देख रहे हैं। इसको बाद में समझ लेंगे, चल पहले वहां चलते हैं। चलो जानती हैं कि राजा कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हो चुका है और आप ये भी जानती हैं कि पुलिस आपके और राजा के ताल्लुकात के बारे में अच्छी तरह जानती है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि राजा से प्यार करती हूँ, इसके अलावा ना कुछ जानती हूँ ना ही जानना चाहती हूँ। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ जानती हैं, आप कानून और हालात को जानती हैं, ये भी जानती हैं कि अपराधी का साथ देना अपराध है। अच्छा तो ये होगा श्रद्धा जी कि आप कानून की मदद करें और राजा के बारे में जो कुछ जानती हैं पुलिस को बता दें। वरना मजबूरन मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। क्या यही तरीका है शरीफ लोगों से बात करने का? शट अप एंड गेट आउट। तमीज से बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब, कानून सिर्फ आप ही नहीं जानते, मैं भी जानता हूं। तो फिर ये भी जानते होंगे कि कानून के काम में दखल देने के जुर्म में मैं तुम्हें बंद कर सकता हूं। अगर ये लोग शरीफ है तो पूछो इनसे कातिल राजा से क्या संबंध है, उस कातिल के गुनाहों पर पर्दा डालने की क्यों कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जाओ जाओ कानून को अपना काम करने दो वरना तुम भी उसकी गिरफ्त में आ जाओगे। जाओ विजय, विजय, विजय। देखो मेघा, एक बात साफ साफ सुन लो, मैं उस घर से कोई संबंध नहीं रखना चाहता जहाँ गुंडे बदमाश इश्क लड़ाने आते हो और पुलिस कातिलों को ढूंढने। तुम मेरी बहन को गाली दे रहे हो, प्यार करना कोई अपराध नहीं? मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूं। मैं ना तो कोई कातिल हूँ ना ही पुलिस मुझे ढूंढ रही है। जिस घर से कातिलों का संबंध हो मैं उस घर की छत के नीचे एक पल भी नहीं ठहर सकता। विजय, विजय। और हाँ, मेरी इजाजत के बगैर आप इस शहर से बाहर नहीं जाएंगी। आपने कानून की मदद नहीं की, अब आप भी कानून से रहम की उम्मीद रखें। मेघा, विजय को क्या हुआ? चला क्यों गया? क्या कह रहा था? वो सच्चाई जो तुम नहीं देख पा रही हो, जिसकी वजह से उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। विजय को मेरी ज्यादा जिंदगी से क्या लेना देना, वो तुमसे प्यार करता है, तुम में कौन सी कमी है? मैं तुम्हारी बहन हूँ, उस घर में रहती हूँ जहाँ एक कातिल की मंगेतर रहती है, जहाँ पुलिस और अपराधी आते जाते हैं। मेघा एक बात गौर से सुन लो, राजा को मैं अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकती। ठीक है श्रद्धा, ठीक है। ओहो, बस लेट हो रही है। क्या रे, क्या रे? धक्का क्यों देता है साले? एक गाली नहीं देने का समझे? पॉकेट मार रहा था साले, हराम जादे। तेरे को भी
अभी पता चलेगा साले, तेरे को मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। तेरा बाप बाप पॉकेट मारेगा तू, क्राइम ब्रांच का आदमी। चल अबे गाड़ी तल्ला। अबे पता चल जाएगा। लेकिन क्या? लेकिन वैकेंट खोजना है साहब। ये क्या कर रहे हैं आप? चल बंद कर दे इसको। साहब आप गलत हैं। क्या कर रहे हैं साहब? मैं तो इंटरव्यू के लिए जा रहा था। आ जाएगा। ये क्या जूम कर रहे हैं आप साहब? हाँ मेरी बात सुनिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस गुनाह में यहाँ लाया गया हूँ। हवलदार बोला, यहाँ जा गुनाह का है? क्या किया ये हीरो? अपने पल्टन रोड पुलिस स्टेशन का भोसले साहब है ना, उनके साथ लफड़ा किया। पुलिस वाले को? माय गुडनेस, कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे नहीं मालूम था वो पुलिस ऑफिसर है। अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। माने पुलिस वाले को छोड़ के किसी को भी मारेगा है? दादा बनता है साला। हवलदार क्या कर रहे हैं आप? मारे मेरी बात तो सुनिए आप। सुनने का नहीं लेकिन साहब बोलने का नहीं। हवलदार अंदर। याद रखना इंस्पेक्टर साहब, आप जैसे लोग ही बेगुनाहों को मुजरिम बनाते हैं, ये ठीक नहीं। देखने का नहीं, सुनने का नहीं, बोलने का नहीं। विजय। मेघा तुम फिक्र मत करो, कोई कानून मुझे सजा नहीं दे सकता। और तुम जमानत कराओगी भी कैसे? मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी बहन मेरा केस लड़े। मैंने अपनी बहन का घर छोड़ दिया है विजय। क्या तुमने? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और जिस छत के नीचे तुम एक पल भी नहीं रहना चाहते, वहां मैं दिन रात किस तरह गुजार सकती हूँ? मान गए दोस्त, चलो अपना एक छोटा सा कमरा है, दोनों के लिए काफी है, बाद में देखते हैं जिंदगी क्या रुख अपनाती है। कदम उठी गए हैं तो फिर सोचना क्या। हाँ चौधरी साहब, पहली मुलाकात का रसम तो पूरा हो गया, अब काम का बात किया जाए। अरे थोड़ा सरूर तो आने दीजिए, कौनो जल्दी नहीं है ना, एक पगवा और मारिए ससुर के। नहीं 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 चौधरी साहब नहीं, काम का बात नशा होने से पहले होना चाहिए, नशे में सिर्फ बात होता है, काम नहीं होता है। बहुत काम की बात करते हैं आप लोग, ये लाल किला आप ही फतेह किए थे, कुतुब मीनार भी आप ही बनाए हैं, ताजमहल आप लोगों ने बनाया ना, ससुर के मारे मारे फिरते हैं, हम सोचे शरण दे दीजिए और आप ही की तपते तवे पर बैठे हैं। हम कसम मालूम है राजा आपकी बंद किया है ना। ये हमारा आपस का मामला है चौधरी, उससे तुम्हारे को क्या मतलब? अरे जब हम मतबल बताएंगे तब ही ना समझेंगे ना आप। देखो भाई खान ब्रदर्स, एक ससुर ने हमारी भी बंद कर रखी है, रू का नाम है विक्रम। चौधरी पहले आमद बुझाओ। अरे बर्फ में बैठे बैठे भेजा जम गया आप लोगन का। अरे हम कहते हैं कि हमारे पास खुपड़िया है, दौलत की पटरिया है, और आप लोगन के पास फैसा जैसी ताकत, साला जमीन पर पैर मारो तो पानी निकाल दो। अब जरा सोचो, हम दोनों की जोड़ी बन जाए तो हम राजा और विक्रम दोनों की बंद कर दें। इसमें हमारा क्या फायदा है? अरे टिकट ब्लैक करके कौन सा महल बना लिए हो? जिसको देखिए फायदे की बात सोचता है दद्दू के देश में, इतना नहीं ना समझते कि चौधरी के साथ रहेंगे तो मौज करेंगे मौज ससुर के। हमको करना क्या होगा? अब पूछे है ना काम की बात। देखो खान, ये विक्रम हमका बहुत ठुसकारी मारे है, बहुत माल उड़ाए है हमारे, ऊ का ठिकाने हम आपको बताएंगे, आप हमारा माल उड़ाकर हमको वापस ला दीजिए, और आपका हिस्सा बिल्कुल चौकस। हम चाहते हैं ये विक्रम कोनो दिन सड़क पर भीख मांगे दद्दू के दस में। तो पहले विक्रम को ही खत्म कर देते ना चौधरी। विजय भेजा घुटने में दबा के बैठे हैं। ओए देखिए बादशाह पे हाथ डालने से पहले ऊ का वजीर पटक दो, और विक्रम का वजीर है ऊ का छोटा भाई अजय।
इस गेम की एक खास बात याद रखना मेरे बेटे, दुश्मन की चाल का शिकार होकर अगर बादशाह अपना किला छोड़कर मैदान में आता है तो वो अपने ऊपर हमले का मौका देता है, क्योंकि दुश्मन की नजर बादशाह पर होती है, जिसके बढ़ते ही गेम खत्म हो जाता है। इसलिए बादशाह को अपनी हिफाजत के लिए मोहरे इस्तेमाल करने चाहिए। मोहरे बादशाह के गुलाम होते हैं। पीटर, हमें वजीर चाहिए। भाई, आपकी नजर में है कोई इस काबिल जो अजय की कमी को पूरा कर सके? इस शहर में एक इंसान है जिसके पास शेर जैसा कलेजा और लोमड़ी जैसी चालाकी है। नाम बताइए भाई, वो आदमी आपके कदमों में होगा। राजा। पीटर जी, राजा चाहिए। नहीं राजा, मेरा विश्वास डगमगा जरूर है लेकिन अभी तक टूटा नहीं है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ कुछ भ्रष्ट लोगों की तानाशाही की वजह से हुआ है। समय और हालात जरूर बदलेंगे, जरूर। कुछ नहीं बदलने वाला है डेरे, कुछ नहीं बदलने वाला है। कोई युगांधर पैदा नहीं होगा, ऊपर से किशन जमीन पर नहीं आएगा इस सिस्टम को बदलने के लिए। जिस भरोसे के कमजोर धागे को पकड़ के तू चल रहा है ना, वो बहुत जल्दी टूटने वाला है। और दो चार बार इसी तरह बेकसूर जेल में बंद कर दिया जाएगा ना, तो चीखेगा चिल्लाएगा, बहुत चीखेगा बहुत चिल्लाएगा, लेकिन कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा। कभी सोचा है तूने, अगर मांगने से सब कुछ मिल जाता तो आदमी को छीनने की जरूरत क्या पड़ती थी? जिस तरह ताकत ने हथियारों को और लालच ने बेईमानी को जन्म दिया है, उसी तरह जुल्म ने बगावत को और बेरोजगारी ने अपराध को जन्म दिया है। दोस्त, बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। मैं तो आज तक असूलों के जाल में उलझा हुआ था, सच्चाई की तरफ से पीठ मोड़ कर चलता था, सुनहरे भविष्य की तलाश में। भ्रम था, वहम था मेरा। पाटिल, वैन के साथ किसकी ड्यूटी है? कौन सा वैन साहब? पाटिल, जेल से कोर्ट तक मुजरिमों को ले जाने वाली पुलिस वैन। गायतोंडे का सेशन में पेशी है साहब, इसलिए मेरे को ही जाना पड़ेगा। आंखें खुली रखना, जब कोई वारदात होती है तो तुम अक्सर नजर दूसरी तरफ कर लेते हो। कैसी बात करते हो साहब, पाटिल की नजर तो हर वारदात पे रहती है। अच्छी बात है, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। यस सर। आज कम बोला पर जितना बोला अच्छा बोला कि पाटिल नजर घुमा लेता है। अरे पाटिल नजर नहीं घुमाएगा तो चक्कर कैसे चलाएगा? बोल, कैसा बोला मैं? बहुत अच्छा बोला हवलदार साहब। चल दरवाजा खोल। बाहर निकाल। दादा बनता है, हाँ आज दिखाता हूं मैं तेरे को। चल भाग 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 भाग। अरे मैं बोला ना भाग। Thank you.
अंदर आ जाओ राजा, बाहर का मौसम बहुत गर्म है। पहचाना मुझे? वो गणपति का मंदिर। अगर ये मैंने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाने की चाल चली है। इन दोनों को पहचानते हो? इन दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। कुछ दिन पहले मैंने इन दोनों चूहों को इनके पिल में घुसेर दिया था। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि इन्हें इनके बिल से निकाला जाए। इन दोनों प्यादों ने मेरे वजीर को मारकर मुझे शह दी है और तुम्हें भी। ठीक है, अब आप ही बताइए पहली चाल कब चलनी होगी। राजा, एक बार फिर अपने फैसले पर गौर कर लो। ज्यादा सोचने वाले फैसला नहीं कर पाते साहब। गुड, अब तुम हमारे दोस्त हो और अपनी दोस्ती का सबूत तुम्हें एक तोहफे की शक्ल में देना चाहते हैं। ये लो। ये क्या कर रहे हैं साहब? तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर। हमने तुम्हारी तकदीर की किताब के हर पन्ने पर माल ही माल लिख दिया है। Yeah.
गोला बाबा 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 कि फुल हुआ रात में तीन कत्ल हुए हैं। ये बात मैंने अखबार में पढ़ी है, पर इससे मेरा क्या मसला? ये बात हम दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं विक्रम साहब, इसलिए लुका छिपी का खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं। अपराधी ना तो बहुत दिन तक छुप सकता है, ना ही उसे कोई छुपा सकता है, चाहे आप जैसा नामवर इंसान क्यों ना हो। ये तीन कत्ल का मामला है। कत्ल तो मेरे भाई का भी हुआ था ऑफिसर, उसका कातिल भी अभी तक छुपा हुआ है या छुपाया गया है। बड़े ताज्जुब की बात है, भाई के कत्ल के बाद आपने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। क्या करती पुलिस? चार सरकारी कागज काले करके किसी बेईमान ऑफिसर को यह केस सौंप देती, जो अगर कातिल तक पहुंच भी जाता तो अपनी जेब गरम करके केस फाइल बंद कर देता। देश के एक जिम्मेदार विभाग पर आरोप लगा रहे हैं, वो भी एक ऑफिसर के सामने। अरे पुलिस से मदद मांग कर तो देखा होता। हमारा एक ही उसूल है, अगर कमजोर पड़ो तो चुपचाप घर में बैठो, और अगर दम है तो दुश्मन को जमीन से खोद कर फिर मिट्टी में मिला दो। कानून पर यह अविश्वास इंसान को कानून का दुश्मन बना देता है। आज जिस पूजा में शामिल हुए हो, मेरे भाई की 13वीं है। 13 दिन हो गए कातिलों को आजाद घूमते हुए। कानून का इतना विश्वास दिलाना चाहते हो तो मेरे भाई के कातिलों को कानून के हवाले करो, उन्हें फांसी की सजा दिलवाओ। आपके भाई का कातिल भी कानून के हाथ आ ही जाएगा, और आपकी पनाह में छुपा हुआ शेट्टी दिवाकर और अय्यूब खान का कातिल राजा भी। बस देखना यह है कि आपकी ढाल पुलिस के वार का सामना कब तक कर पाएगी। हाँ, मैं श्रद्धा आपसे मिलने आई। बुलाओ, आप जाइए प्लीज। यस मिस। श्रद्धा, मैं जानता हूं अजनबी हम तक नहीं पहुंच पाते, सिर्फ मकसद बताओ। मैं कोशिश कर रही थी कि राजा अपना रास्ता बदल ले, लेकिन आपके साथ ने उसके इरादों को और भी मजबूत कर दिया है। मजबूत इरादे वाले ही इस दुनिया में शान से जी पाते हैं। ये शान और शौकत दिखावा है विक्रम साहब,
मैं चाहती हूँ कि वो इज्जत की जिंदगी जिए। अगर आप उसे आजाद कर देंगे तो। राजा हमारा कैदी नहीं, हमारा साथी है। तुम क्यों चाहती हो कि वो हमारा साथ छोड़ दे? उसका एक सपना है जो हम पूरा कर सकते हैं, इसमें बुराई क्या है? बुरा वो रास्ता है जो उसने चुना है, वो रास्ता जो आपने दिखाया है, जो समाज की चार दीवारी से निकालकर इंसान को एक ऐसे जंगल में ले जाता है जहाँ आजादी होती है, समाज की कैद नहीं होती, जहाँ इंसान कमजोर नहीं होता और जीने के लिए ताकतवर की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। समाज बंधन नहीं है जीने का, एक रास्ता है विक्रम साहब। अगर समाज और उसके असूल न हो तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, इंसानियत बिखर जाएगी। मिस श्रद्धा, ये बातें ना तो तुम समाज के डर से कर रही हो और ना ही उसके उसूलों की पुजारन हो तुम। तुम्हें डर है राजा की जिंदगी का, तुम्हें लगता है कि राजा हमारे साथ सुरक्षित नहीं है। यकीन करो, राजा की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। और एक बात अपने समाज के बारे में सुन लो, वैशी इंसानों का जंगल है तुम्हारा ये समाज। आप भी उसी समाज में रहते हैं विक्रम साहब? नहीं, मेरा अपना समाज है। तुम्हारे समाज ने तो बचपन में ही मेरा खून कर दिया था, ये मेरा दूसरा जन्म है। मेरा अपना समाज, मेरे अपने उसूल, इन्हें जो मानता है वो मेरा अपना होता है, और अब राजा भी मेरे अपनों में शामिल है। समाज एक से नहीं, अनेक से बनता है, और जो अपनी दुनिया अलग बनाता है ना, लोग उसे दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं। श्रद्धा, हमें गुस्सा आता भी देर से है और जाता भी देर से है। इससे पहले कि तुम्हें देर हो जाए और हमें गुस्सा आ जाए, चली जाओ यहां से। नमस्कार, सब इंस्पेक्टर पाटिल बोलता है। पाटिल, कमाल, सुनो पाटिल, हमको राजा का लाश चाहिए। एनकाउंटर में गेम खेल दो उसका, कीमत जो बोलेगा मिलेगा। अरे ऐसा ऑफर पाटिल कैसे ठुकरा सकता है, पर क्या करेगा, अगर इतना पता चल जाए कि राजा किधर है तो एनकाउंटर करके तुम्हारा काउंटर राजा की डेड बॉडी से सजा देगा। वो हम तुमको बताएगा, बस तुम उसको मारने का तैयारी करो, उसको जन्म में पहुंचा कर हमारे दफ्तर में आ जाना, पैसा तैयार मिलेगा। बस ठीक है, तुम राजा का ठिकाना बताओ, पाटिल उसको ठिकाने लगा देगा। अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। अपनी फीस लेकर जाओ। शायद राजा का कुछ पता चला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुझसे ये सवाल पूछते हुए, तुम्हारी वजह से कमिश्नर साहब से मुझे बातें सुननी पड़ी, अपनी ड्यूटी ठीक से संभाल नहीं सकते, तुम्हारी वजह से पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी हुई, समझे? पाटिल, मुझे तो तुम पे शक होने लगा है, राजा से तुम्हारे ताल्लुकात काफी दोस्ताना थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम? अच्छा बोला साहब, बहुत अच्छा बोला, मैंने पाटिल की आत्मा मर गई। अरे साहब, मैं जान पे खेल कर उसका पीछा किया, उस पर फायर किया, दो बार उसको गोली लगता लगता बच गया साहब, और आप कहता कि ठीक है साहब। पाटिल इस वर्दी की कसम खाता है साहब कि 24 घंटे के अंदर अंदर राजा को हथकड़ी पहनाएगा। ठीक है, इस बार वर्दी की लाज रख लेना। आज बहुत बोला साहब, लेकिन जितना बोला अच्छा नहीं बोला। पाटिल तेरे को देख लेगा साहब। बोल कैसा बोला मैं? बहुत अच्छा बोल साला।
उछलने का नहीं। अंदर कैसे आया? दरवाजे से, तुमको बाहर ले जाने के लिए। चलना। ए! खिला वो केला, समझे? देख पाटिल। देखने का नहीं, चल पहन ले। पाटिल, इस हथकड़ी के लिए मेरे हाथ बहुत बड़े हैं। जिस दरवाजे से अंदर आया चुपचाप उसी दरवाजे से बाहर चले जाओ। अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, पर तू पाटिल को जानता नहीं है। पाटिल तेरा हाथ को छील के हथकड़ी के माप का बना देगा। बोल, कैसा बोला मैं? पाटिल को तेरे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऑर्डर मिला है। मैं तेरे को मार भी डालेगा तो भी मुझको पैसा मिलेगा और मेरा नाम भी क्लियर। अपन तेरे नाम का सुपारी निकाला है कमाल से। काली, कमाल के साथ में तेरी भी काली नहीं, तेने कहा। ए, चल जा जा। राजा, राजा, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। चार घंटे की मोहलत देता हूं, अच्छी तरह सोच लेना। यहां पत्थर भी बोलते हैं, 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 यहां पत्थर भी बोलते हैं। सतीश ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सतीश की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं जानता हूं राजा, सतीश की मौत का जिम्मेदार कौन है, और वो हैं कमाल और अफजल। अफजल इस वक्त जेल में है और कमाल का भी पता चल ही जाएगा। विक्रम साहब, मैं उन दोनों हरामजादों को नहीं छोड़ूंगा। सतीश मेरे भाई जैसा था। तुम्हें जेल के अंदर पहुंचाने का इंतजाम मैं कर दूंगा। नमस्ते, मैं आ गई। कैसे क्या है? डॉक्टर साहब ने दवाओं की लिस्ट भेजी है, इसे देख लीजिए। चल फोट, कल सुबह देखेंगे, दफ्तर में रखवा दे। कौन से साले मरे जा रहे हैं? चल भाग। ए जलार, चल चल और एक पी। अरे जरा, जेलर तेरी
अब हट। जेल में जेलर का खून कर दिया है। भाग जा यहां से विजय। कहां? तुम भी तो यही हो, मैं भी यही रहूंगा। पागल मत बन। मेरी जिंदगी का जो होना था हो चुका है, तू अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। जिंदगी भर जेल में सड़ेगा विजय, बाहर की दुनिया देख नहीं पाएगा। देख तू अंजाम नहीं जाता विजय, चला जा यहां से, जाकर अपनी कोठरी में बैठ जा विजय। विजय जा यहां से। हमारा भाई का मौत का खबर सुनाने से पहले तुम सारा अपना सवाल क्यों नहीं काट लिया? तुम सारा अपना सवाल क्यों नहीं काट लिया? नहीं भाई, नहीं 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 भाई, अब उन्हें तुम्हारा जान बचाया था भाई। नहीं, अरे कहां करो तुम भैया, तू ससुर हमरे गंगवा में हो कि और काऊ में? अपने आदमी को काहे को मार रहे हो? अरे छोड़ो छोड़ो, सबका खेल डालेगा हम। अरे हमारे भाई के बाद चला किसी को जीने का हक नहीं, किसी को नहीं। जीने का हक दुश्मन को नहीं है ना, मरना तो राजा को चाहिए ना। देखो खान, हमारी बात गौर से सुन लो। कल राजा की अदालत में पेशी है, वही ठुस कर देंगे ससुरे को दद्दू के देश में। राजा के छोकरे लोग नहीं दिख रहे? इधर होंगे तो दिखेंगे ना। क्या मतलब? आधे ऊपर गए, आधे कोर्ट में गए। आज राजा की पेशी है ना कोर्ट में। Ah!
विक्रम, वैसे तो आपका नाम यमराज होना चाहिए। जो भी आपके करीब आया दुनिया से जाता रहा। और अजीब इत्तेफाक है, हम जब भी मिले किसी न किसी की मौत पर ही मिले। बड़े मनहूस हैं आप। जहां आपके पांव पड़े वहां शुभ हो कैसे सकता है? होता तो वही है जो होना होता है, लेकिन आपको वो बता दूं जो अब नहीं होगा। वो है आपका गेम। माना बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, जिस मोहरे को जब चाहें कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अब आपकी चालें खत्म हो गई हैं। ये खेल का मैदान नहीं जहां हार जीत की चालें डिस्कस की जाएं ऑफिसर। ये शांति स्थल है। किसी दिन फुर्सत में आइएगा तो खेल के उसूलों पर बातचीत करेंगे। जिस दिन आपके पास आऊंगा मात देने आऊंगा। बातों की फुर्सत कहां होगी, क्योंकि एक मोहरा मैंने भी अपने पास रखा है। बिसात बिछी हुई है पवार साहब, चालें चलते रहिए, हार जीत का फैसला वक्त करेगा। एक्सक्यूज मी। इनकी आत्मा को शांति देने के लिए मुक्ति कीजिए, विश्वमेघ परिक्रमा कीजिए। ओम आदित्यावत्व रुद्रा विश्वदेवा मरुत्र गणा इलते रूपे संतु मंगलानी पानी गिराकर मट्टी फोड़ दीजिए। ओम शांति देव शांति रामा शांति शांति। यकीन करो, राजा की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। उसे कोई छू भी नहीं सकता। श्रद्धा, राजा के कातिलों को चिता भी नसीब नहीं होगी। प्लीज। अभी तक सांस ले रहा है राजा का कातिल, और मैं खामोश बैठा इंतजार कर रहा हूं। मेरे आदमी ना तो राजा की हिफाजत कर सके और ना ही उसके कातिल को पकड़ सके। एक बात सुन लो, अगर कल तक राजा के कातिल का पता ना लगा तो तुम सब अपने घर वालों से कहकर आना कि तुम्हारी चिताओं की लकड़ियां इकट्ठा करें। भाई, राजा पर जिसने गोली चलाई उसका पता लग गया है। नाम बता उस हरामजादे का। चंदू, चंदू नाम है उसका भाई। वो कमाल खान का आदमी है। चंदू, चंदू चाहिए मुझे।
विजय, विजय क्या हुआ तुम्हारे कपड़ों पर कीचड़? विजय बताते क्यों नहीं क्या हुआ, किसी से झगड़ा किया है क्या? नहीं था, मैंने राजा के कातिलों में से एक को आज मार डाला। विजय कातिलों का खून किया मैंने, अपने दोस्त राजा का बदला लिया है, कोई जुर्म नहीं किया मैंने। विजय तुम? हाँ मेघा, अभी तो एक को खत्म किया है और ढूंढने हैं, एक एक करके सबको नर पहुंचा दूंगा, सबको नर पहुंचा दूंगा मैं। तुम्हारे ऊपर खून सवार है इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, हत्या करना हर हाल में अपराध है, हत्या चाहे किसी की भी हो उसकी सजा फांसी होती है। मुझे फांसी की कोई परवाह नहीं, जिस जिस ने राजा की मौत के बारे में सोचा भी था उन सबको। प्लीज विजय ऐसी बातें मत करो, तुम नहीं जानते कि तुम किस रास्ते पर चल पड़े हो। विजय अब क्या होगा, क्या तुमने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा? अभी तक वही करता आया था मेघा, अपनी जिंदगी को असूलों के दायरे में कैद कर रखा था, सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं चलती। राजा ठीक कहता था, जिंदगी जीना है तो ताकत हासिल करो, दौलत हासिल करो, कुछ चाहिए तो मांगो मत, छीन लो उसे, क्योंकि मांगने से हक नहीं भीख मिलती है भीख। ठीक कहता था राजा। गलत कहता था राजा, झूठा सबक सीखा था राजा ने जिंदगी का। अब विजय भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है, वो भी राजा की तरह अपनी हर बात को सच साबित करना चाहता है, वो भी राजा की तरह अपने रास्ते से भटक गया है। श्रद्धा मेघा, मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मैंने राजा की मुस्कुराती हुई आंखों को भी देखा है और कोर्ट के फर्श पर पथराई हुई आंखों को भी। लेकिन विजय पर किसी को शक नहीं है, उस पर तो पुलिस की नजर भी नहीं है, हर जुर्म करने वाला यही समझता है कि जुर्म करते हुए उसे किसी ने नहीं देखा, फिर भी कोई मुजरिम कानून से नहीं बच पाता। अब क्या होगा श्रद्धा, विजय के सर पर तो खून सवार है, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, बस कपड़े बदलकर घर से निकल पड़ा, ना जाने क्या करेगा विजय, ना जाने कहां गया होगा। भाई चंदू का काम हो गया, उसकी लाश पुलिस को समुंदर में तैरती हुई मिल गई। शाबाश, हमारे उस आदमी को 1,00,000 रुपए का इनाम दे दो जिसने हमारे राजा के कातिल को जहन्नुम पहुंचाया है। लेकिन भाई चंदू का कातिल कोई और है। कौन है वो जियाला जो हमसे बाजी मार गया? पीटर, मुझे वो आदमी चाहिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है। Get him. हेलो विजय, क्या अंदाज है, पहले गुंडे भेजकर सड़क से उठवा लिया और अब बड़े प्यार से कहते हो हेलो विजय, जैसे हम बड़े पुराने दोस्त हैं। हमारे दुश्मन हमारे मुंह से निकली बात नहीं सुनते, हमारे रिवॉल्वर के मुंह से निकली गोली की आवाज सुनते हैं। दोस्ती करने का ये तरीका पहली बार देखा है। तुम्हें यहां बुलाना जरूरी था, तरीका जो मुनासिब समझा वो अपनाया। हम तुम्हें यह भी दिखाना चाहते थे कि तुम कमजोर और बेबस हो और जो तुम करना चाहते हो उसके लिए हिम्मत ही नहीं ताकत भी चाहिए। राजा का कातिल चंदू तो सिर्फ मोहरा था, बादशाह कमाल अब भी आजाद घूम रहा है। तुम्हारा निशाना चंदू नहीं कमाल होना चाहिए था। इंसान हालात और शैतान से लड़ सकता है, भगवान से नहीं। शायद भगवान कमाल को 2-4 दिन और जिंदा रखना चाहता है। एक बहादुर जब उसका सहारा खोजने लगता है जिसको कभी देखा भी नहीं, समझ लो कमजोर हो गया।
विजय तुम थक गए हो, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें इतनी ताकत दे सकते हैं कि कमजोर होने का ख्याल भी तुम्हें नहीं आएगा। उसी जरूरत ने मुझे इतनी देर इस कमरे में रोक के रखा है विक्रम साहब। विजय, अजय और राजा की मौत से एक जगह खाली है जहां सबसे भरोसे का आदमी ही खड़ा हो सकता है, यानी मेरी पुश्त पे। क्या तुम खुद को इस काबिल समझते हो? जब आप मुझे इस काबिल समझने को तैयार हैं तो मुझे विश्वास है कि मैं इस कसौटी पर खड़ा उतरूंगा। ये विक्रम का खुपड़िया बहुत तेज है, जौन एक मोहरा पिटता है दूसरा खड़ा कर देता है, बहुत चालाक है ससुर। अरे बच्चा है, बच्चा है, लौंडा है कल का, अभी भी उसका मुंह से उसका माँ का शीरा का दूध का बास आता है, जब भी जाएगा ना साफ करेगा साले को। भाई बंद करो चोर, बंद करो। नहीं खान, विक्रम की पूरी ताकत तो विजय के साथ है। ओए चींटी यानी मुंगी, चाहे हाथी के साये में चल रहा है, कुचले जाने में देर नहीं लगता है। एक बात भूल रहे हो खान, चींटियों जहां काट लेती है सुजा देती है, 3 घंटा तक जलन रहती है। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझने का, विक्रमू का राजा की जगह दिए है कौनू मामूली बात नहीं। विक्रम को क्या बड़बुक समझते हो? सबसे पहले वो विजय का ठिकाना मालूम होना चाहिए। नहीं खान साहब, कोई नहीं जानता, विक्रम ने वो जगह सीक्रेट रखी है। हाँ इका मतबल विक्रम को तोहरी गद्दारी का सुबह हो गया। अरे तू तो उका खास समझा रहा ससुरगे। नहीं चौधरी साहब, ऐसी कोई खास बात नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि विजय कहाँ मिल सकता है। अरे तो बकत का है नहीं ससुरगे। सिर्फ एक जगह है जहां विजय मिल सकता है, तिलक नगर के गणपति का मंडप, वो राजा के गणपति कहलाते हैं। गणपति के दिन विजय हर हाल में वहां आएगा। तुम सब के सब वो नाचने वालों की भीड़ में शामिल रहना, और जैसे ही विजय सामने आया सारी की सारी गोलियां उतार देना उसका जिस्म में। पूरा विश्वास है कि विजय जरूर आएगा, ये राजा की गणपति है, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे हर हालत में विजय को गिरफ्तार करना है।
पीटर। जी भाई। लगता है हमारे किसी साथी ने अपना ईमान बेच दिया है। कोई गद्दार हमारा दोस्त बना हुआ है। क्या बात कर रहे भाई, आपके साथ और गद्दारी? नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे साथ गद्दारी। हमारे राज दुश्मनों तक पहुंच रहे हैं। पता लगाओ बेटा, जल्दी पता लगाओ कि हम किस सांप को दूध पिला रहे हैं। आप 6 बजे चर्च में आना मांगता है क्या? पीटर को लेट नहीं चलता है। डोंट वरी, मैं चर्च में आके ब्लेस करेगा। थैंक यू फादर। ओके ओके, यू मे गो फादर। गॉड ब्लेस यू। सॉरी मरिया, पीटर अच्छा आदमी था। मे गॉड हैव मर्सी ऑन हिज सोल। गॉड तो आप है मिस्टर विक्रम, जब चाहे किसी की भी जान ले ले। अगर ऐसा ही करना था तो शादी का परमिशन क्यों दिया? कैसा गॉड है तुम, खुशियां दान करता है और जान ले लेता है। खुशियां एक दोस्त को दी थी, जान एक दुश्मन की ली है। पीटर हमारा वफादार ना हो सका, तुम्हारे साथ क्या वफा करता? हमने तुम्हें विधवा होने से बचा लिया है। बीस साल हो गए अपने ख्वाब की ताबीर को ढूंढते हुए। इस शहर का बादशाह बनने का वादा किया था अपने भाई अजय से, लेकिन दुश्मन मिटाने चला तो आस्तीन में पीटर जैसे सांप पलने लगे। एक के बाद एक रुकावटें आ रही हैं मेरे रास्ते में। विक्रम साहब, आपने मुझे अपने भाई अजय की जगह दी है। मैं आपके रास्ते की सारी रुकावटें हटा दूंगा, कसम खाई आपसे वफादारी की। जानता हूं विजय, तुम्हारी वफादारी पर यकीन है मुझे।
राजा और अजय की तरह तुम भी मेरे अपनों में शामिल हो। मेरे दुश्मन चौधरी और कमाल बहुत खतरनाक हैं। विक्रम साहब, खतरों से खेलना सीख लिया मैंने, विश्वास रखिए आप बादशाह जरूर बनेंगे। चौधरी और कमाल आज जिंदा हैं, कल नहीं रहेंगे। क्या बात है चौधरी साहब, बहुत परेशान लग रहे हैं। तो क्या डिस्को करेंगे है? नहीं ना जानते हो विक्रम की चालबाज खोपड़िया को, शैतान की खोपड़िया है ससुर की। अरे चिंता मत करो चौधरी साहब, मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है। मेरा नाम इंस्पेक्टर बाघ मारे है। बाघ मारे? बाप न मारी लोमड़ी, बेटा तीरंदाज। अरे नाम तो हमारा भी चौधरी बलिस्टर सिंह है, तो क्या हम वकीलन के उस्ताद हो गए का? तो डर की वजह से विक्रम से समझौता कर रहे हैं आप? नहीं ना समझेंगे आप। देखो ये डर की नहीं गुर की बात है, जो हम नेताओं से सीखे हैं दद्दू के देश में। जब अपना जूता ना चले तो झट दूसरे का पैर पकड़ लो, ऊका जूता उठाए का चांस ही नहीं ना मिलेगा। आई बात समझ में? एक मिनट वहीं रुकना। अरे विक्रम बाबू खुद नहीं ना आया हमारे सामने, अपना दूत भेजा है, वो भी नन्ना सा बछड़ा। अरे अभी तो त्योहार मुंह से दूत की बात आते है बचुआ। नाक का इलाज कराओ चौधरी, शेर के मुंह से दूध की नहीं खून की बात आती है। सब बस सही कह रहे हो, बहुत दमदार बात कही है। बढ़ो बढ़ो। देखो हम कर हम कह रहे थे। अब तुम सिर्फ सुनोगे चौधरी, विक्रम साहब ने मुझे तुम्हारा फैसला करने के लिए भेजा है, और मेरा फैसला यह है, अगर तुम्हें शहर में रहना या जीना चाहते हो तो तुम हमारे लिए काम करोगे। माने तुम हमारे बाप और हम तुम्हारे कमाऊपूत है ना? बहुत होशियार बुझाते हो। तुम्हें मजदूरी मिलती रहेगी चौधरी। अरे ससुर के चौधरी को का गीदड़ समझे हो कि शेर का बचा कुचा खाएंगे हम? हा? अरे जाके कह दो विक्रम से कि समझौता बराबर का हुई, कनु कम ज्यादा ना हुई। चौधरी बराबर की बात बराबर वालों से होती है, और तुम एक उठाई गिरे हो। विक्रम साहब इस शहर के बादशाह है। सुनो चौधरी, मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूँ। विक्रम साहब को कुत्ते पालने का बहुत शौक है। जब वो कुत्तों को रोटी का टुकड़ा देते हैं, और जो कुत्ता टुकड़ा खाने से इनकार करता है, जानते हो उसका क्या करते हैं? जानते हो? अरे छुड़वा देते होंगे ससुर को जंगल में। पागल कुत्तों के साथ ऐसा ही किया जाता है ना? नहीं, उसे गोली मार दी जाती है। खुशी करने के बहुत से तरीके हैं, मेरी ही कार क्यों? कमाल है, इंसानों को शतरंज का मौरा समझने वाले को हमारी जान की परवाह होने लगी? आप तो किसी की भी बलि चढ़ा देते हैं अपने फायदे के लिए। नुकसान का सौदा करने वाला बेवकूफ और नासमझ होता है।
आपने तो ताकत और दौलत की हवस में सारे इंसानी जज्बात को कुचल के रख दिया है। अरे जो इंसान अपने सगे भाई को भी कुर्बान कर दे, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। खेल और जंग के दो ही अंजाम होते हैं, हार या जीत। आज हमने सारे दुश्मनों को हरा कर बाजी जीत ली है। लेकिन आप जो खेल खेल रहे हैं वो लालच से शुरू होता है, अपराध के रास्ते से होता हुआ वो मौत की मंजिल पर खत्म होता है। आप इसे शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन खत्म करने वाला कोई और है। खेल खत्म कर दिया हमने, आज खेल शुरू और खत्म करने की ताकत है हमारे पास। आपके पास जो ताकत है वो गोली की ताकत है। जब तक रिवॉल्वर की नाल में है आपके काबू में है, नाल से निकलने के बाद उसकी दिशा कोई नहीं बदल सकता। आप भी नहीं, खुद को खुदा समझने वाले मिस्टर विक्रम, आपके पास ताकत है डर की, नफरत की, प्यार की दौलत से आप महरूम हैं। कितने गरीब हैं आप। शराब, तुम लोग बहादुर जरूर हो, लेकिन याद रखो, बेवकूफ की हिम्मत उसे परेशानियों का शिकार बना देती है। बहादुरी के मायने आप क्या जाने, जिंदगी भर कायरों की तरह जीत रहे हैं आप। लड़की, अगर तुम आज तक जिंदा हो तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा उनसे रिश्ता रहा है जो हमारे अपने थे और हैं। Now please go away before it's too late. अगर एहसास हो जाए तो अपना रास्ता बदल लीजिएगा, कुछ लोग अपनी जिंदगी पूरी जी सकेंगे। Go away! चलो मेघा। हेलो विजय। काम अधूरा रह गया विक्रम साहब, कमाल की किस्मत ने आज फिर उसका साथ दिया। विजय, तुमने उस आदमी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी जिसे इंसानों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। मेघा, तुम विक्रम साहब को नहीं जानती हो, वो जीने का सही तरीका सिखाते हैं, आजादी दिलाते हैं समाज में फैली घुटन से, जिंदगी देते हैं वो। कौन सी जिंदगी, कानून और दुश्मनों से भागे फिरने की, छुप छुप कर जीने की। विजय, तुमसे तुम्हारी आजादी छिन गई है, तुम मेरे तो क्या अपने भी नहीं रहे। अब इतना तो बता दो कि मैं क्या करूं, इस धड़कते दिल से तुम्हारा इंतजार, न जाने कब तुम्हारी लाश मेरे सामने आ जाए। मेघा, मर्द अपनी शान, अपनी जिद, अपनी इच्छाओं के लिए जिस तरह चाहता है जीता है, फिर औरत से रिश्ता क्यों जोड़ता है, उसे तड़पाने के लिए, उसे दुख देने के लिए, बोलो। रिश्तों का फैसला तुम खुद कर लो मेघा, मैं अपना रास्ता चुन चुका हूँ। बकवास कर रहे हो तुम, मर्दों के लिए कितना आसान है ये सब कह देना। राजा भी यही कहता था, वो भी आजादी की जिंदगी चाहता था, दौलत चाहता था, ताकत चाहता था, लेकिन अंजाम क्या हुआ, मौत। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, उसका अंजाम मौत है, सिर्फ मौत। इंसानों को शतरंज का मौरा समझने वाले को हमारी जान की परवाह होने लगी। आप तो किसी की भी बलि चढ़ा देते हैं विक्रम साहब। विक्रम साहब, आपने मुझे अपने भाई अजय की जगह दी है, मैं आपके रास्ते की सारी रुकावटें हटा दूंगा, आप बादशाह जरूर बनेंगे। आपके पास ताकत है डर की, नफरत की, प्यार की दौलत से आप महरूम हैं। कितने गरीब हैं आप। विक्रम साहब, इस बार फिर शहर में 3 कत्ल हुए हैं और फिर पुलिस पर रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन इस बार ये खबर आपने अखबारों में नहीं पढ़ी, बल्कि लाशें भी आप ही के सुपुर्द की गई हैं। इस हादसे के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं।
फैसला आप कर लीजिए, घर पर करेंगे या पुलिस स्टेशन चलकर। ऑफिसर मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि ना तो मेरे पास वक्त है और ना सब्र। मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला गुंडा नहीं, जिसे तुम जब चाहो अपने रास्ते से हटा सकते हो। मैं कानून का सिपाही हूँ। विक्रम के रास्ते में आने वाला पहाड़ भी चूर चूर हो जाता है। तुम क्या, तुम्हारा कानून क्या? रुक जाओ विक्रम, वरना गोली चला दूंगा। दुश्मनों को दोस्ती का हाथ नहीं, मौत देता है। अरे हमारा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं हमारा तुमसे। वो साला खबीस का औलाद चौधरी, वो हमको भड़काया हमको तुम्हारे खिलाफ। इशारों पर नाचने वाले जानवर होते हैं, इसीलिए तेरी बोटी बोटी करने के लिए ये कुत्ते साथ लाया हूं। डरो मत, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी, क्योंकि मेरे कुत्ते कुत्ते का गोश्त नहीं खाते। लिया अपनी तालीम का नतीजा, वो तालीम जो मेरे मासूम जहन में पत्थर की लकीर बनकर रह गई थी। 20 साल तक मैं आपकी बताई हुई चालें चलता रहा और हर चाल के साथ अपनों को कुर्बान करता रहा। सब कुर्बान हो गए, कोई नहीं बचा, कोई अपना नहीं बचा जो मुझसे यह पूछे कि विक्रम तू कैसा है। अकेला हो गया मैं आपके सिखाए हुए गेम को खेलते खेलते।
मेरा साया तक जिंदगी के लिए मनहूस हो गया। जिसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया उसे मौत छीन कर ले गई। अब कौन सी चाल चलूं? बताइए अब कौन सी चाल चलूं जिससे मेरे हाथों कुर्बान हुए लोगों में दोबारा जान आ जाए और मैं उन्हें अपने गले लगा सकूं। आपकी बताई हुई चालें चल चलकर बादशाह तो मैं बन गया, पर किस काम की ये बादशाहत? शमशान का बादशाह, मौत का बादशाह। खेल सिखाते वक्त ये क्यों नहीं बताया कि खेल के उसूल जिंदगी पर लागू नहीं होते? क्या दुश्मनी थी अपने बेटे से जो ये नहीं बताया कि ना तो जिंदगी खेल है और ना ही खेल जिंदगी हो सकता है? झूठी थी आपकी तालीम, झूठे थे आपके उसूल, बर्बादी का रास्ता था आपका ये गेम। आज से ये गेम मैं खत्म करता हूं। आज से ये गेम विक्रम, जिंदगी को खेल समझने वालों की अपनी जिंदगी खुद खेल बनकर रह जाती है। तुमने जिंदगी को शतरंज का खेल समझकर खेला, लेकिन ये भूल गए कि खेल खत्म होने के बाद बादशाह और पैदल दोनों एक ही डब्बे में बंद कर दिए जाते हैं, जिस तरह मरने के बाद राजा और रंक एक ही मिट्टी में मिल जाते हैं।